हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। मेरा मन यहाँ रहने को जरा भी नहीं चाहता। परंतु भाभी जी, आपके इस तरह घर से जाने से भगवान श्री कृष्ण के इस उपहार का अनादर नहीं होगा? भगवान जानते हैं मैं उनके इस उपहार का अनादर नहीं कर रही हूं। बस मेरा मन नहीं चाहता कि मैं अपने स्वामी के बगैर इस घर में अकेली रहूं। अरे क्या दुल्हनों की तरह लजा रहे हो, बताओ ना सांदीपनी के आश्रम में किस तरह तुम हमारी खीर पूरी चुरा कर खा जाते थे। बोलो बोलो। अब बचपन में तो ये सब चलता ही है, तुम भी तो माखन चुरा कर खा जाया करते थे। अब भूल गए? वाह 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 सुदामा जी वाह। अरे आपके इस उत्तर का तो जवाब नहीं, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह था, अचूक। अच्छा तो ठीक है, तीनों रानियां मेहमान का पक्ष ले रही हैं। अरे सुदामा तुम तो मेरे मित्र भाई, कम से कम तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए। हाँ हाँ अवश्य अवश्य, एक चोर दूसरे चोर का साथ नहीं देगा तो क्या करेगा, क्यों देवी हो। ये क्या कह रही हैं भाभी जी आप, गांव के बाहर वाले मंदिर में जाके रहेंगी? हाँ देवर जी, उसी मंदिर में जाकर रहूंगी। परंतु ये घर भी तो अब मंदिर बन गया है, इस घर पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हुई है, देवशिल्पी विश्वकर्मा का आगमन हुआ यहां, और स्वयं महादेवी लक्ष्मी ने अपने दिव्य चरण चिन्ह छोड़े हैं, इस घर का कण कण पावन हो गया है, और आप हैं किस मंदिर को छोड़कर किसी और मंदिर में जाकर रहने की बात कर रही हैं। इसमें कोई शंका नहीं कि ये घर भी अब मंदिर बन गया है, देवी देवताओं की छत्र छाया है इस घर पर, फिर भी मैं इस घर में नहीं रह सकती। इन बच्चों का तो ध्यान किया होता, बेचारे आपके इस निर्णय से कितने परेशान होंगे। ये भले ही यहां रहें, इन्हें मैं आपकी सुरक्षा में यहीं छोड़ जाती हूं। मगर मुझे मत रोकिए, मेरा मन यहां रहने को जरा भी नहीं चाहता। परंतु भाभी जी, आपके इस तरह घर से जाने से भगवान श्री कृष्ण के इस उपहार का अनादर नहीं होगा? भगवान जानते हैं मैं उनके इस उपहार का अनादर नहीं कर रही हूं, बस मेरा मन नहीं चाहता कि मैं अपने स्वामी के बगैर इस घर में अकेली रहूं। आप ही सोचिए देवर जी, जब मेरा ब्याह हुआ था तो वो मेरा हाथ पकड़कर अपने टूटे फूटे झोपड़े में लाए थे, अब उसी प्रकार जब वो मेरा हाथ पकड़कर इस राजमहल में लाएंगे तभी मैं इस राजमहल में रहूंगी, उनके बिना तो मैं स्वर्ग भी अकेली ना लूं। सच पूछिए तो हमारे शरीर दो हैं मगर हमारी आत्माएं एक दूजे में लीन हो चुकी हैं, हम एक दूसरे के बिना सुख तो क्या दुख भी नहीं भोग सकते।
कौन के पैरों में कांटा चुभता है तो टीस मेरे पैर में उठती है। यदि दर्द मुझे होता है तो वो पीड़ित हो जाते हैं। धन्य है माता, आप धन्य हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अब सुख के द्वार हमारे लिए खोल दिए हैं। इस सुखी संसार में मैं अपने स्वामी का हाथ थामकर ही प्रवेश करूंगी, इसलिए जाते समय जिस मंदिर में वो मुझे भगवान की शरण में छोड़ गए थे उसी मंदिर में मैं उनकी बाट जोहूंगी, और जब वो मेरा हाथ पकड़कर लाएंगे तो उनके पीछे पीछे चली आऊंगी। वाह माता वाह, आज अनायास ही आपने मुझे ये शिक्षा दी है कि सच्चा विवाह केवल दो शरीरों के बंधन का नाम नहीं बल्कि दो आत्माओं के पवित्र और अटूट मिलन का नाम विवाह है। हे माता, ये शिक्षा देकर आज से आप मेरी गुरु बन गईं। अरे नहीं नहीं, अरे ये कैसे हो सकता है? विश्वास नहीं होता ना? बिल्कुल नहीं। अरे सुदामा जी को देखकर भला ये कौन कह सकता है कि सुदामा जी बचपन में ऐसी हरकतें करते होंगे। तुम्हें हमारा विश्वास नहीं होता ना, तो सुदामा से ही पूछ लो। क्यों सुदामा? अरे क्या दुल्हनों की तरह लजा रहे हो, बताओ ना। सांदीपनी के आश्रम में किस तरह तुम हमारी खीर पूरी चुरा कर खा जाते थे, बोलो बोलो। अब बचपन में तो ये सब चलता ही है। तुम ही तो माखन चुरा कर खा जाया करते थे। हाँ? अब भूल गए? वाह 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 सुदामा जी वाह। अरे आपके इस उत्तर का तो जवाब नहीं, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह था, अचूक। अच्छा तो ठीक है, तीनों रानियां मेहमान का पक्ष ले रही हैं। अरे सुदामा तुम तो मेरे मित्र भाई, कम से कम तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए। हाँ हाँ अवश्य अवश्य, एक चोर दूसरे चोर का साथ नहीं देगा तो क्या करेगा, क्यों देवी हो। कहो मित्र, क्या चुराना, माखन या खीर या फिर वो चने जो गुरु माता ने दिए थे? लो ये चने अपने साथ ले जाओ। देखो मैं आधे आधे तुम दोनों के पल्लू में बांध देती हूँ, भूख लगने पर इन्हें खा लेना। गुरु माता मेरा पल्लू तो फटा हुआ है, ये सारे आप इसी के पल्लू में बांध दीजिए, मैं इससे आधे ले लूंगा। अच्छी बात है अच्छी बात है। लो। हाँ
अरे ये कटकट की आवाज कैसी आ रही है? कुछ खा रहे हो क्या? नहीं, ये तो सर्दी के मारे मेरी दांत कटकटा रहे हैं। अच्छा, बहुत सर्दी लग रही है क्या? हाँ, सारा शरीर भीग गया है। ओह, मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। सुना है कुछ खाने से शरीर में गर्मी आ जाती है, तो लाओ वो चने जो गुरु माता ने दिए थे, दोनों बांट के खा लेते हैं। चने? चने कहाँ हैं? तुम्हारे पल्लू में बांधे थे ना? मेरे पल्लू में? वो तो पेड़ पर चढ़ते समय डालियों की रगड़ से गीले पल्लू की गांठ खुल गई थी, जिससे सारे चने नीचे कीचड़ में गिर गए। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि तुम्हें तो भूख बहुत जल्दी लग जाती है ना, तो आप क्या करोगे? क्या करूंगा, आज तो ब्राह्मण भूखा ही रहेगा। अरे वाह, कृष्ण के होते उसका मित्र भूखा कैसे रह जाएगा? काश बचपन के वो दिन ही चुरा लाओ। काश वो दिन सचमुच ही चुरा सकता। बचपन तो बचपन ही होता है, न कोई छल न कोई कपट, जो मुंह में आया कह दिया, जो मन में आया कर दिया। कभी पेड़ पर चढ़ गए, कभी नदी में कूद गए, ऊंच नीच का भेदभाव तो कभी मन में आया ही नहीं। परंतु जब बड़े हो जाते हैं तो एक एक कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। बचपन का वो सारा भोलापन छिन जाता है। ऐसा क्यों होता है कृष्णा? हम बूढ़े होने तक बच्चे बनकर क्यों नहीं रह सकते? सुदामा, सृष्टि का नियम ही ऐसा है मित्र। न इस सृष्टि की गति थमती है, न किसी की आयु किसी क्षण थमती है। काल चक्र चलता रहता है, चलता रहता है, और समय बदलता है, और समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। बच्चे जवान होते हैं और जवान बूढ़े हो जाते हैं, ये नियम अटल है। सृष्टि का ये नियम बड़ा ही कठोर नियम है। कठोर तो है, पर है बड़ा ही आवश्यक। बचपन में हम केवल अपने लिए ही जीते हैं, परंतु बड़े होकर बच्चों के लिए। और जानते हो, हम बड़े होकर अपना ये अमूल्य बचपन अपने बच्चों को अनायास ही दान कर देते हैं। बल्कि मनुष्य का सारा जीवन ही अपने संतान के नाम अर्पित होता है। बच्चों के लिए जीना, बच्चों के लिए मरना। माँ बाप अपनी संतान के लिए क्या क्या सहन नहीं करते। हाँ, मैं तो अपने बच्चों के लिए कुछ भी तो नहीं कर सका, इसीलिए तो मैं यहां आया हूं। वो बेचारे भी तो आस लगाए मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, सोचते होंगे कि मैं यहां से। सुदामा जी, आप तो बचपन के विचारों में खो गए। बचपन का नहीं, बच्चों के बारे में ही सोच रहा था। घर से विदा हुए कई दिन हो गए, बेचारे वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यहां आकर तो जैसे मैं उन्हें भूल ही गया हूं। अरे सुदामा,
ये क्या तुम अभी से उठकर कहाँ जाने लगे? अरे अभी तो रात की शुरुआत हुई है। घर और बच्चों की याद ने मन को व्याकुल कर दिया है। सवेरे जल्दी उठकर वृंदापुरी की यात्रा भी तो करनी है ना। ये क्या कह रहे हो सुदामा? अरे अभी तो जी भर कर तुमसे बातें भी नहीं हुई। मित्र, मन करता है कि तुम्हारे साथ बैठकर वर्षों बचपन की बातें करता रहूं, बातें करता रहूं। बचपन तो रहा नहीं कि जो मन कहे वही करें। अभी सायु में तो बच्चों के लिए मन को मारना ही पड़ता है ना। तुमने ठीक ही कहा सुदामा। सृष्टि के नियम बड़े ही कठोर होते हैं, ना ही मन की भावनाओं को समझ सकते हैं और ना महसूस कर सकते हैं। प्रभु, आज आप फिर से उदास धुन बजा रहे हैं। सुदामा के दुख तो अब दूर हो चुके हैं, इसलिए अब तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। दुख तो होगा ही देवी, अब अपने मित्र से बिछड़ने का समय जो आ रहा है। पर अच्छी बात यह है कि सुदामा के दुख के दिन अब बीत गए। भगवान, सुदामा के दुखों का कारण कहीं वो चोरी तो नहीं जो उन्होंने बचपन में की थी? चने चुराए थे, खीर चुराई थी, कहीं आप उन्हें उसे चोरी का दंड तो नहीं दे रहे? नहीं देवी, मैं किसी को दंड नहीं देता। मैं तो अपने भक्तों को मुक्ति देता हूं। कर्म और भोग अनिवार्य है। कर्म का विधान ऐसा है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। यदि कोई बबूल का पेड़ लगाएगा तो उसे कांटे ही मिलेंगे, क्योंकि बबूल पर शूल ही उगते हैं, फूल नहीं खिल सकते। कर्म के इस विधान और सृष्टि के इस नियम को मैं नहीं बदल सकता। ऐसा करने से विधि, विधान और विधाता तीनों संकट में आ जाएंगे। इसलिए देवी, हर किसी की तरह सुदामा को भी अपने कर्मों का फल भोगना था। बस अच्छी बात यह है कि अब सुदामा के भाग्य में शूल नहीं, फूल ही फूल हैं।